थी पेन बॉक्स, ये लेके आई थी मैं 130 का। तो मैंने इसमें आइसक्रीम मैंने रात को दी जमा दी थी। तो अब देखते हैं इसको निकाल के कि ये कैसा बना हुआ है। इसको पहले मैंने हल्का सा पानी में वो कर लिया है कि तभी तो ये आपस में छोड़ पाएगी। कौन खाएगा आइसक्रीम? डाबू डाबू आइसक्रीम खाएगा, मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा। तो चलो हम इसको निकालते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे सारे काम हो गए हैं, नहा धो के मैं हो गई हूँ फ्री। और अब मैं जा रही हूँ पेट पूजा करने, क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोर से भूख और मेरा बेटा भी खेल रहा है। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा तू खेलते रही और मैं अभी जस्ट अभी फटाफट से नहा के जाऊंगी। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और वो अभी खेल रहा है लाडो। तो गाइज वो भी खेल रहा है और मेरे जो हस्बैंड है वो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। सुबह 8:30 बजे चले जाते हैं वो। तो उसके बाद मैं अपना अकेले रहती हूँ और सारा काम वगैरह करते करते टाइम हो जाता है काफ़ी। और अब मैं बस खाना खाने ही जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लो, क्योंकि बच्चे के साथ साथ काम बहुत मुश्किल होता है यार। मेरा स्टैंड टूट गया है, इस वजह से मैं अपना ब्लॉग जो है बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, क्योंकि आप सब ना वीडियो को ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। तो इस वजह से मेरा मूड जो है बिल्कुल ऑफ हो गया था। तो मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं शूट करती थी और माइंड थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया था। तो इस वजह से मैं ब्लॉग ना शूट ही नहीं करती थी। और साथ में मेरा जो स्टैंड है वो भी टूट गया था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इस वजह से मैंने छोड़ यार, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या है मेरा इतनी मेहनत करने का, कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस वजह से बहुत ही लेट और बहुत ही कम मैं ब्लॉग डालती हूँ। 3 दिन पे, 4 दिन पे, 1 हफ्ते पे ऐसे डाला है मैंने। पहले मैं कंटिन्यू डालती थी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर इंसान का मूड बिल्कुल मन नहीं करता है वीडियो डालने का। तो प्लीज़ आप ज़रूर और ढेर सारा प्यार दो और सपोर्ट करो, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो पाएगा। बिना वॉच टाइम के जब तक उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तब तक आप आगे की नहीं सोच सकते। तो इसलिए प्लीज़ मेरा जो इसका जो क्राइटेरिया है वो फटाफट से पूरा करवाओ, और फिर जाके आगे आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं इसी तरह से रहूंगी, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, मूड सैड हो जाता है। और फिर साथ में आप सब समझ सकते हो कि बाकी अकेला अकेला बंदा है, काम भी करेगा, साथ में बच्चे को भी हैंडल करना पड़ता है और फिर अपने भी अपना भी देखना पड़ता है कि वीडियो को कैसे शूट करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है। बहुत बहुत मेहनत लगती है यार, आप सब सपोर्ट नहीं करते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को और मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो प्लीज। तो गाइस मैंने आज खाने में बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया मैंने? तो गाइस आज मैं शाम को कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। और आज मैंने दिन में अभी मैंने मॉर्निंग में मैंने बनाया है चुकंदर के पराठे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं चुकंदर, प्याज और धनिया वगैरह, मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के उसमें बहुत ही टेस्टी पराठा बनाए। तो मैं इनको लंच में मैंने दे दिया है, अब मैं अपने लिए बना के लेके आऊंगी फिर खाऊंगी। और साथ में मैंने घी की सब्जी बनाई है और साथ में दही, तो बहुत ही टेस्टी लगता है चुकंदर का पराठा। आप जरूर बनाओ और खाओ, क्योंकि वो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी तो बहुत ही होता है, वो टेस्टी के साथ साथ वो हेल्दी होता है। तो इसलिए वो पराठा जरूर बनाओ और बच्चे को भी खिलाओ। मेरा मेरे बेटे ने तो आज हाफ पराठा खाया। क्या खाया बेटे ने? मेरे पराठा खाया, क्या खाया? तो दूध बोल रहा है, और ये दूध पीता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पीता। ये बंदा इतना बेकार हो गया, बहुत बेकार बच्चा हो गया मेरा, ये दूध नहीं पीता है बिल्कुल। बोतल में ऐसे का ऐसे दूध खत्म नहीं हुआ है, दूध बहुत है, पियो आप। तो ये दूध बिल्कुल भी गाइस पी के खुश नहीं होता है सच में, इतना ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे दूंगी बोतल में, बिल्कुल इतना सा पिएगा, इतनी सी लाइन, बाकी सारा दूध ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। मैं कहा पिएगा पिएगा, करते करते ना वो फिर खराब हो जाता है, तो दिमाग बस ऐसे ही खराब रहता है यार। जब ये ढंग से खाता पीता नहीं है ना, और दिमाग खराब रहता है फिर मेरा। तो मैंने कल कपड़े भी धो लिए थे और साथ में बर्तन वगैरह भी काफी हो गए थे। तो फिर मैंने कहा यार सूट करूं तो मैं कैसे करूं, पता है कि मैं सूट नहीं कर सकती, मेरा जो स्टैंड है वो टूट गया। और फोन को सेट करने के लिए वह स्टैंड की जरूरत होती है, और जो कि मेरा टूट गया है। मुझे मेहनत करने पे प्लीज मुझे सपोर्ट किया करो बेटा जी।
इसने शूज पहन लिए हैं, देखो इसको चप्पल पता नहीं कहाँ इसने डाल दिया है, और जूते ऐसे ऐसे पहन के घूम रहा है। तो गाय चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि लगी है बहुत जोर से भूख, और हम बनाएंगे गरम गरम पराठा और हम खाएंगे खाना, क्योंकि भूख लग गया और टाइम भी हो गया, 12 बज गए हैं। हाँ 12 बज गए, तो 12 बज गए गाइज, मैं अब खाना खाने जा रही हूँ, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है गाइज, हे गाइज, तो मैं ले आई हूँ घी की सब्जी, साथ में दही, साथ में मैंगो, और साथ में ये टेस्टी से पराठे। किसके हैं? चुकंदर के पराठे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं गाइज, तो जरूर खाना। और मेरे बेटे को मैंगो ज्यादा पसंद है, तो ये मैंगो खा रहा है। क्या खा रहे बेटा? क्या खा रहे हो? मैंगो, आम, बोलो आम, आम। क्या खा रहे हो? आम खा रहा है ये। तो गाइज मैंने बनाए टेस्टी टेस्टी पराठे, और फटाफट से हम खाते हैं, भूख लगी है बहुत जोर से, है ना, इतने मस्त मस्त। बेटा मैं निकाल रही हूँ, मैं खाता हूँ। वाओ, तो ये हमारी टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी सी आइसक्रीम निकल गई है, जो कि कितनी यूनिक लग रही है। मेरा बेटा खाएगा इसको सबसे पहले, खा के दिखाओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, अच्छा लग रहा है। इधर से मेल्ट हो रही है, इधर से खाओ। अच्छा पकड़ो, ले लो, ले जल्दी पकड़ो, फिनिश करो फटाफट से। तो गाइस इसको आइसक्रीम लगी है बहुत ही अच्छी, तो ये मुझे भी नहीं दे रहा, मुझे दे दो, मुझे दो, दे रहा हो मेरा बच्चा। खा लो बेटा, आप खा लो, मैं वो निकाल लेती हूँ। निकालना पड़ेगा ना, ये धीरे धीरे थोड़ा जम जाती है ना। वाओ, तो ये हमारी दूसरी आइसक्रीम भी निकल गई, और कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी, और आप जरूर इस तरह से बनाओ। और ये ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दूध और केला डाल रखा है मैंने इसमें। दूध को अच्छे से आप बॉईल करके, और उसको थोड़ा सा थिक होने देना, हल्का सा, जैसे चार इसमें से एक हिस्को उसको अच्छे से पका देना है, चार भाग में से एक भाग को पका देना है अच्छे से। और फिर आप उसको अच्छे से ठंडा कर लो, और उसमें केला वगैरह, मैंने केले का बनाया, तो ये मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग, मेरा बेटा बाय कर रहा है, बाय करो, बोलो मुंह से बोलो बाय। तो गाइस आज इसने बाय किया है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर से बाय कर रहा है, तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर।